प्रश्नावली है भाई आपके 4.1। इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, जैसा पहला है वैसे दूसरा तीसरा चौथा। इन चारों में एक ही चीज़ है कि वो है आपके चार भुजाएं, और साथ में क्या है आपके एक विकर्ण। चारों क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर भी पांच चीज़ें हैं, चार तो आपके भुजाएं हैं और एक आपके विकर्ण है। इसके अंदर भी आपके चार तो भुजाएं हैं, एक विकर्ण है। अब इसके अंदर देखो चार नहीं, इसके अंदर आपके कितनी भुजाएं दे रखी है, आपके दो दे रखी है। अब देखो ध्यान देना, सिंपल है, इसका कुछ मिस प्रिंट होगा वो भी करवा देंगे हम। इसके अंदर क्या है कि आमने सामने की भुजाएं जो है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, तो वापस से मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि समान चतुर्भुज, ये क्या है समान चतुर्भुज, उसके आम सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो एक दीवी है तो एक ये आ जाएगी, और ये दीवी तो ये गिनी जाएगी आपके, तो और एक ये, तो एक दो और तीन दीवी आती है, और ये सम चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, जैसे बी ई है तो बी ई, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, और ये वाली 6। तो आपको करना क्या है, बस सब में एक ही डायग्राम बनेगा ऐसा, या फिर ऐसा, इसकी आपको रचना करनी है। तो जैसा पहला है वैसे ही आपके चारों है। इसको मैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक में बता दूंगा आपको ये क्या सही है, इसका राइट सही क्या होगा। सबसे पहले बनाना है आपको रफ डायग्राम बनाना है, जैसे इसका बनाएंगे हम। तो ये नाम हो गया ए बी सी और डी। इसमें आपके ये तो हो गया अभी 4.5, 5.5, चार और छः, और ये दे रखा है अभी आपके 7। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये बनाया है हमने, रफ डायग्राम बना लिया है कंप्लीट। अब इसके देखा देखा आपको यहाँ पर बनाना है सिंपल। सबसे पहले क्या आता है आपके, ए बी है 4.5, तो स्केल है हम, यहाँ स्केल में यहाँ से लेते हैं हम, ये आए कितनी आपके 4.5, ये हो गए। अब लेकिन देखो कभी कभी इससे करेंगे थोड़ा सा हार्ड होगा, और ये करना हो तो पहले ये खींच लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, इजी बनाना क्या, पहले हम ये बनाते हैं 7 बना देते हैं पहले। तो हम बनाते हैं अभी 7। तो यहाँ रखो आप, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर खींच लो, देखो ये आ गई आपके 7। अब क्या करना है अभी आपको, इधर से देखो मैं अभी जो नाम है ना, इस नाम थोड़ा ध्यान देना। ये तो हो गया अभी आपके ए, और ये हो गया अभी आपके सी, हो गया क्या हो गया सी पॉइंट। 1 मिनट, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, ए सी लाइन खींच लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम क्या वो लिखेंगे, ए सी नाम है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए, इधर लिखेंगे हम सी पॉइंट। अब देखो हम इस चित्र को थोड़ा घुमाते हैं ना, तो ये इधर से ए से 6 का चाप काटना है, सी से 4 का चाप काटना है। 6 और 4 का चाप काटेंगे, इसके लिए हमें चाहिए ये वाला कंपास चाहिए, तो लेते हैं 6 और 4, ये हमने ले लिया है 6 4 सेंटीमीटर लेना है स्केल से आपको, और कहाँ से काटना है, सी से चाप काटना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे यहाँ पर हम, और इसको हम ऐसे घुमाएंगे इधर से, थोड़ा ऊपर ले सकते हो आप चाहो तो यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, 4 का चाप काटेंगे सी से, तो सी से चाप काटो आप 4 का, यहाँ से काटेंगे हम, ये रहा कितना चाप काटेंगे हम 4 का, कहाँ से काटेंगे सी पॉइंट से। अब हम ए से काटेंगे कितना, 6 का चाप काटेंगे। अभी यह करते हैं हम 6 सेंटीमीटर का प्रकार को ऐसे करेंगे बड़ा, फिर हम ए से चाप काटेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं ए पर, फिर क्या करते हैं यहाँ से ए से क्या करेंगे हम चाप काटेंगे। तो थोड़ा नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर, और ऐसे हम क्या करेंगे इसे चाप काटेंगे, तो चाप काटो यहाँ से, ए से काटना है 6 का। एक मिनट, ए से चाप काटना है आपको,
ये रहा, यहाँ से काटना पड़ेगा, ये रहा, इधर से काट, चापा काटा हमने 4 का, इधर से काटा हमने कितना 6 का। अब लेंगे स्केल को और यहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे हम यहाँ पर, डी पॉइंट दे देंगे यहाँ पर हम नाम, और डी और ए को मिलाएंगे हम। तो यहाँ पर लेते हैं डी और ए को मिलाते हैं, ये मिला लिया। ऐसे अब सी और डी को मिलाएंगे, ऐसे अब सी और डी को मिलाएंगे यहाँ पर हम। थोड़ा सा आगे रखेंगे, यहाँ से मिला लेंगे, ये बन गया। अब हम यहाँ से 4.5, इधर से 5.5 चाप काटेंगे। अब हम लेते हैं 4.5 और ये काटेंगे हम ए से। अभी देखो, हम ए से 4.5 लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लाना है प्रकार को, और ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ से चाप काटना है ऐसे। अब सी से कितना काटना है, 5.5। अब लेना है हमें 5.5 लेना है, यहाँ से ये लगाकर यहाँ तक 5.5 लेना है आपको, और सी से चाप काटेंगे। अब प्रकार के कोने को रखेंगे यहाँ पर और चाप काटेंगे यहाँ से 5.5। तो हम यहाँ लाते हैं पहले, यहाँ लाने के बाद क्या करेंगे हम, इसको ऐसे चाप काटेंगे ऐसे। अब ये से कम पड़ गया तो वापस इधर काटो, कम पड़ जाए तो वापस से आपको यहीं से चाप काटना है ये ऐसे, फिर इसको इधर रख दो। फिर यहाँ पर आपके नया पॉइंट क्या आ गया, आपके ये वाला पॉइंट नया आया है, बी पॉइंट। हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम बी पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर, ये वाला बी पॉइंट हो गया। अब मिला लो ए और सी को, मतलब ए और बी को और बी और सी को मिलाओ, यहाँ रखो स्केल को और ए और बी को मिला लो। तो यहाँ पर हम मिलाते हैं, पहले ये स्केल ले लेते हैं, फिर मिलाते हैं, ऐसे। अब सेम आपको यही, आप चलो आगे पीछे कर सकते हो लाइन को, देख लो अपने साथ। अब ये वाला बी सी मिलाते हैं, अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी और सी को मिलाएंगे ऐसे। सारे क्वेश्चनों को आपको इस टाइप से ही करना है, ऐसे आपको मिलाना है। तो पहले आपको ए सी खींचना है, फिर इधर से आपको ये कितना था आपके, जो भी नाम है ना वो लिखना पड़ेगा आपको, ए डी और ए सी, ये 6 और 4 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 6, ये हो गया 4, ये 4.5, 5.5, तो ये हो गया 4.5 और 5.5, और ये वाला हो गया आपके 7 ऐसे। सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप से ही करने हैं, और क्या लिखना है तो आप अपने एग्जाम्पल वगैरह में देख सकते हो कैसे लिखना है।